अस्सलाम वालेकुम जो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे बेटे। आज हमने आज की क्लास में हमने जो बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करना है जिसका ताल्लुक हमारे पिछले टॉपिक से था कैश बुक से। हमने जब कैश बुक पे बात की तो हमने कहा कैश बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे बिजनेस ने कैश अदा किया है चाहे बिजनेस ने कैश वसूल किया है। अब ये जो कैश कैश बुक की हमने बात की ना बेटे, तो कैश बुक तीन तरह की थी। हमने कहा ये सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, ये डबल कॉलम कैश बुक होती है। जब बेटे हमने डबल कॉलम कैश बुक की बात की तो हमने कहा डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश के साथ साथ बैंक को भी देखते हैं, जिसका मतलब दो तमाम ट्रांजेक्शन जिनमें बैंक आएगा, जिनमें चेक आएगा, जिनमें बैंक इन्वॉल्व होगा, मतलब वो तमाम ट्रांजेक्शन जो हमारे और बैंक के दरमियान में होंगी वो तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन किस कॉलम में रिकॉर्ड की जाएंगी, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड। ठीक हो गया जी। अब यहाँ बेटा उसी बैंक से रिलेटेड बड़ा अहम टॉपिक है हमारे पास और इस टॉपिक का नाम है हमारा जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका बड़ा जो मशहूर नाम है वो है BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका हमने पहले देना है ओवरव्यू कि भाई ये होती क्या है, ये क्यों बनाई जाती है, इसको बनाने का मकसद क्या है। ठीक है बेटे, हम उस पर बात करेंगे। आप बेटा हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो एक बिजनेसमैन है, जो एक बिजनेस कर रहा है। अगर वो बिजनेसमैन है तो बेटा आज के दौर में डेफिनेटली उसका किसी बैंक में कोई ना कोई अकाउंट भी होगा। अगर वो बिजनेसमैन है तो बैंक में उसका अकाउंट होगा, तो वो बेटे उसे हम अकाउंट होल्डर भी कह सकते हैं, वो डिपॉजिटर भी कह सकते हैं। वो शख्स जो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहा है वो बेटे क्या होगा, बैंक के लिए उसका कस्टमर होगा। तो आप बिजनेसमैन कह लें, आप अकाउंट होल्डर कह लें, आप डिपॉजिटर कह लें, आप बेटे कस्टमर कह लें, तो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात, उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसका बैंक में क्या है, अकाउंट। अब जो कस्टमर है ना, जो बिजनेसमैन है बेटा, वो तैयार करता है कैश बुक। और बेटा कैश बुक में बेसिकली वो एक कॉलम बनाता है किसके लिए, बैंक के लिए, बैंक कॉलम बनाता है। इस बैंक कॉलम में मैंने वो भी बताया आप लोगों को कि वो तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिनमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है, बैंक इन्वॉल्व हो जाता है। क्या इन्वॉल्व हो गया जिसमें, बैंक इन्वॉल्व हो गया, वेदर द बिजनेस पेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ बैंक या रिसीव, आपने चेक रिसीव किए बैंक में जमा करवा दिए, बैंक डेबिट बैंक कॉलम में डेबिट होगा। आपने चेक इशू किए, आपने उसकी भी एंट्री पास की, बैंक क्रेडिट किया आपने अपने पास, उसका भी इफेक्ट कहां पे होगा, कैश बुक में, बैंक कॉलम में। ठीक हो गया। जब ना मैं एंट्री पास कर रहा हूं, मैं कैश बुक में पेड कर रहा हूं, मैं तमाम ट्रांजेक्शन जिनमें बैंक के इन्वॉल्व हो रहा है उसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने चेक रिसीव किया, मैंने चेक बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक भी तो एक बिजनेस है ना, बैंक भी तो एक इदारा है। जब मैं पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूँ तो बैंक भी तो उसको रिकॉर्ड करेगा, बैंक भी तो उसको लिखेगा। तो जैसे मैं कैश बुक में बैंक का अकाउंट मेंटेन करता हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे जो बैंक होता है यहाँ बेटे, वो जो बैंकर होता है वो भी बेटा अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता है, किसका, कस्टमर का। वो बुक जो बैंक मेंटेन करता है, जिसने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करता है, उस किताब को हम क्या कहते हैं, पास बुक कहते हैं। और बेटे पास बुक में बेसिकली वो क्या तैयार कर रहा होता है, कस्टमर का अकाउंट तैयार कर रहा होता है। सर दो बुक्स आ गई यहाँ पे, एक कैश बुक, कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है, बिजनेस मैन। एक पास बुक जो कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है। ठीक हो गया बेटे। मैं बोला कस्टमर किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, बैंक का, और बैंक किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है।
अब यहाँ बेटा एक मिनट, मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो बेटे यहाँ बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो बैंक अकाउंट की एक लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, और एक राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। बेटा बैंक का असूल ये है कि बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और बैंक जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसी तरह मैं बोला बैंक पे किसका अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो कस्टमर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है बेटे, ये भी इसकी एक डेबिट साइड है और एक इसकी क्रेडिट साइड है। बेटे याद रखिएगा, कस्टमर बैंक के लिए बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। अब मैं आपको एक मिसाल के बाद समझाऊंगा। मैं कहता हूँ ओपन आ करंट अकाउंट में एचबीएल, मैंने कस्टमर ने अकाउंट होल्डर ने बिजनेसमैन ने अपना एक अकाउंट ओपन किया कहाँ पे, एचबीएल में, एंड डिपॉजिटेड रुपीज 100 इन, और उसने कितने पैसे जमा करवाए हैं, उसने 100 रुपीज जमा करवाए हैं। बेटा अगर उसने 100 रुपीज जमा करवाए हैं तो डेफिनेटली बेटा उसने एक एंट्री क्रॉस की होगी, उसने एंट्री क्रॉस की होगी बेटे बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट कितनी अमाउंट से 100 रुपीज। ऐसी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, हम डेबिट साइड पे टच करेंगे, देखेंगे क्या कैश, कैश को नहीं, हम सिर्फ बेटा किसकी बात कर रहे हैं, बैंक की, इसलिए हम यहाँ पे कैश को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को इग्नोर कर देंगे, हमने किसकी बात कही थी, सिर्फ बैंक की। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, हम डेबिट साइड पे टच करेंगे, लिखेंगे क्या 100 रुपीज, अपना पैसे चलेंगे बैंक के पास। जब बैंक पर पैसे वसूल नहीं किए, जब बैंक ने पैसे वसूल किए, बैंक के पास कैश आ गया, कैश बैंक का एसेट है, एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, एसेट इंक्रीज होंगे, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होंगे। लेकिन सोच के बताएं, क्या ये बैंक के अपने पैसे हैं, नहीं भाई, बैंक के अपने पैसे नहीं है, बैंक कस्टमर के पास ये ऑप्शन है, कस्टमर के पास ये हक है कि वो जब चाहे पैसे बैंक से निकलवा सकता है, और बैंक उसको पैसे उधार करने के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 100 रुपीज आए हैं बैंक के पास ईमानदार आए हुए हैं, जब ईमानदार आए हुए हैं, कल को कस्टमर पैसे मांगेगा, बैंक को ये पैसे कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे, बड़ा कस्टमर यहाँ पे क्या बन जाएगा, बैंक की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पॉजिटिव किया ना, बैंक अकाउंट डेबिट था, मैंने डेबिट साइड पे कैश लिखा है, तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट, हम किस साइड पे बैंक करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट कितनी अमाउंट से 100 रुपीज, ठीक है। अब आगे तो चलते हैं, मैं कहता हूँ रिसीव आर चेक फ्रॉम असलम, चेक रिसीव किया असलम से, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और चेक कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में। तो बेटा देखें, मैंने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट और असलम अकाउंट चेक था 10 रुपये। अब देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया, हम डेबिट साइड पे बैंक करेंगे, लिखेंगे जी असलम अकाउंट कितनी अमाउंट से 10 रुपये। ऐसी है वो चेक चला गया बैंक के पास। अब बेटा ये जो चेक है ना, बैंक इस पे पैसे कलेक्ट करेगा, आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में ना 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक हो गया, बैंक ने पैसे कलेक्ट किए, जब बैंक ने पैसे कलेक्ट किए उस चेक पे बैंक के पास और पैसे आ गए ना, पैसे इंक्रीज हो गए, कैश इंक्रीज हो गए, कैश वाले एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट हो गए, लेकिन ये पैसे बैंक ने कस्टमर के लिए वसूल किए हैं, जब कस्टमर के लिए वसूल किया तो बैंक क्या करेगा, उन पैसों को कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। इसका मतलब कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे हम, कैश। देखिए यहाँ पे देखें बेटा, हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक भरा था, प्लस हुआ था बैंक में, तो हमने कहा हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इधर कस्टमर के साथ भरा था बेटा,
कस्बर भी यहाँ पे 10 रुपीज का पड़ा था, तो उसने क्या कि यहाँ पे उसने क्या दे दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है। यहाँ पे बस डीमैट है तो और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। यहाँ पे बेटे मैं बैंक को बैलेंस करूँगा, जब मैं बैलेंस करूँगा तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा 110 रुपये। और कस्टमर जब यहाँ बैंक यहाँ बैलेंस करेगा कितनी 100। यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं बेटा कि हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना बैलेंस आ रहा है 110, और बैंक की पासबुक के मुताबिक कितना बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस क्या है, दूसरे के इक्वल है ना। यहाँ भी 110 है तो यहाँ भी कितना है, लेकिन आपने चीज देखी है ये जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है, यहाँ डेबिट बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, इसका मतलब कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन क्या है बेटे होना भी ये चाहिए कि भाई जब मैं भी एंट्री पास कर रहा हूँ, बैंक मेरा अकाउंट बना रहा है, मैं बैंक का अकाउंट तैयार कर रहा हूँ, तो हम दोनों के जो अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। क्यों, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, मैंने एंट्री पास की, बैंक भी एंट्री पास कर रहा है। मैं पैसे निकलवा रहा हूँ, मैंने एंट्री पास की, बैंक भी एंट्री पास कर रहा है। दोनों तरफ अकाउंटिंग चल रही है ना। चले अब इसको थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये तो मेरा एक मिसाल होगी। अब अगली बैलेंस देखे ना, वो बैलेंस सीडी था, बैलेंस यहाँ पे क्या लगेगा, बैलेंस बीडी लगेगा, डॉट कॉम कितनी अमाउंट से 110 रुपये से। मैंने बताया बैलेंस कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस है। इसी तरह ये जो बैलेंस था ये क्रेडिट बैलेंस था, तो ये आगे किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। बेटे बैलेंस डॉट डाउन कितनी अमाउंट से 110 रुपये से। अब यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ इशू आ चेक 4 रुपीज 120। मैंने एक चेक इशू किया कितने का, 120 रुपये का। यहाँ पे तो सोच के करें, जब मैंने चेक इशू किया ना, मैंने चेक इशू किया कि हम जब साथ कितने का 120 रुपये का, मैंने एंट्री पास की, हम चल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो किस साइड पे चेक करूंगा मैं, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा क्या, अमजद का अकाउंट कितनी अमाउंट से 120 रुपये से। अमजद साहब को चेक लेके बैंक के पास है। यहाँ मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि क्या बैंक उस चेक को लेके पैसे अदा कर देगा, करेगा पैसे अदा 110 रुपये बने थे अकाउंट में, कितने बने हैं, चेक इशू किया मैंने 120 रुपये का, तो क्या बैंक पैसे अदा करेगा, नहीं करेगा। इसकी वजह आसान से मिसाल है बेटे, आप जब कॉल करते हैं मोबाइल पे तो आपको अगर सुझाव आता है या आपके मोबाइल में मतलूबा रकम इस कॉल को मिलाने के लिए ना काफ़ी है, साथ ही की करके फोन बंद हो जाता है। इसका मतलब बात वहाँ पर क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है ना। बैंक उसके पैसे अदा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपके अकाउंट में जो मौजूदा रकम है वो पूरी नहीं है। ये बोला ना हम लोगों ने, बैंक विल रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट, लेकिन बेटा आम तौर पे ऐसा नहीं होता। बैंक आम तौर पे एक खास लिमिट तक एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो वो पैसे चेक के जरिए देता है, कस्टमर को अदा कर देता है, लेकिन उसी कस्टमर को कहता है जिसकी बैंक से कहा होती है बातचीत हुई, लेकिन बैंक के मैनेजर एक कमिटमेंट हो गई है कि सर मेरा चेक आएगा आपके पास, आपने कहना है अगर मेरे अकाउंट में मौजूदा रकम से 50,000 रुपये ऊपर तक का चेक होगा तो आपने कभी भी उसको रिफ्यूज नहीं करना, आपने कहना उसके पैसे अदा नहीं। इस सिचुएशन को बेटे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज
ओवर जिस केस को क्या कहते हैं ओवर ड्राफ्ट। अब मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी मिसाल समझाता हूँ। मैंने जब आपको मिसाल दी, मैंने कहा कि मैंने मोबाइल को मिलाया, नंबर मिलाया, मैंने उसने कहा कि आपके अकाउंट में मौजूदा रकम इस कॉल को मिलाने के लिए ना काफ़ी है। साथ उसने मोबाइल बंद नहीं किया, कॉल बंद नहीं की, कॉल ड्रॉप नहीं, उसने कहा जी अभी स्टार जीरो हैश मिलाए और 15 रुपये का एडवांस हासिल कर। अगर मैंने वो स्टार जीरो हैश दबा दिया तो क्या मेरी कॉल डिस्कनेक्ट होगी? नहीं होगी बेटा, मेरी कॉल आगे कंटिन्यू होगी, मेरी बेल जाएगी, मेरी वजह से क्या होगी, बात भी होगी। इस केस में देखिए मैं बैंक के पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, सॉरी बैंक मेरे मतलब कंपनी मेरे पैसे इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि मैं कंपनी के पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब बेटे मैं कंपनी के पैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगला जब मैं बैलेंस करवाऊंगा तो सबसे पहले मैसेज कौन सा आएगा? क्या आपने क्या किया कि वो पैसे जो आपने लोन दिया था वो लोन के किया आपने वो वापस कर दिया है? इसी तरह बेटा यही कंडीशन यहाँ पे भी होगी कि अगर ऐसा हो और मेरी बैंक से कमिटमेंट हुई है तो बैंक कभी भी इस चेक को रोकेगा नहीं, बल्कि इसके पैसे अदा कर देगा। इस केस में जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक से निकलवाए गए हैं वो पैसे हमने बैंक को अदा कर दिए, पैसे हमने बैंक को देने हैं, ठीक हो गया बेटे? और जब अगला डिपॉजिट आएगा तो सबसे पहले बैंक ये वाले पैसे क्या करेगा, हमारे पास से निकलवा देगा, ठीक हो गया? चले इसका मतलब ये हुआ बेटे कि बैंक पैसे अदा करेगा तो बैंक एंट्री पास करेगा कस्टमर अकाउंट डायरेक्ट कैश अकाउंट डायरेक्ट कितनी अमाउंट से 120 रुपये। अब देखिए कस्टमर यहाँ पे क्या डेबिट हो रहा है, किस साइड में इफेक्ट करेंगे डेबिट साइड में, देखेंगे क्या कैश अकाउंट कितनी अमाउंट से 120 रुपये। मैं कहता हूँ इस महीने में सिर्फ यहाँ पे यही ट्रांजेक्शन हुई और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसका बैलेंस निकालेंगे आप तो बैलेंस कितना आएगा बेटा 10 रुपये। इसका बैलेंस निकालेंगे आप तो बैलेंस बेटा कितना आएगा है 10 रुपये। ये जो बैलेंस आया है 10 रुपये, ये बैलेंस यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। और ये जो बैलेंस आया है 10 रुपये, यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो यहाँ पे देखें बैलेंस कितना शो हो रहा है कैश बुक के मुताबिक 10 रुपये, पास तो मतलब कितना आदेश हो रहा है 10 रुपये, लेकिन क्या है दूसरे के पहुंचने से चाहिए। इसका मतलब हमारे जो कैश बुक है और पास बुक है उनके जो बैलेंसेस हैं बेटा हमेशा एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए और हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है, मैंने जब चेक रिसीव करके असल का जमा करवाया था बैंक में, बैंक हो सकता है मैंने चेक जमा करवाया हो जनवरी की 31 तारीख को, जनवरी की 30 तारीख को, और जनवरी 31 को हमने क्या किया, अपनी कैश बुक को बैलेंस भेज दिया, बैंक को उस चेक पैसे वसूल रहे फरवरी 2 को। इसका मतलब बैंक ने तो वसूली की होगी फरवरी 2 को, जब बैंक ने 2 फरवरी को वसूली की होगी तो बैंक को 2 फरवरी को एंट्री पास करेगा, जबकि मैंने कब एंट्री पास किया 30 जनवरी को या 31 जनवरी को। इसका मतलब जब मैंने बैलेंस किया तो मैंने तो पैसे ऐड कर दिए लेकिन बैंक ने ऐड नहीं किया, ऐसी है ना? या ये जो चेक मैंने अमजद को इशू किया था, अमजद साहब ने ये चेक पकड़ा, चेक जेब में डाला और शाम को दुबई चले गए फ्लाइट लेके, आए कब? 1 महीने के बाद। 1 महीने बाद जा रहा हूँ, चेक भी था, चेक लेके बैंक के पास पहुंचे। जब तक अमजद बैंक के पास जाएगा नहीं, बैंक को जाकर चेक दिखाएगा नहीं, बैंक पैसे अदा नहीं करेगा। जब बैंक पैसे अदा नहीं करेगा तो बैंक एंट्री पास भी नहीं। तो बेटा बहुत सारी रीजन ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कैश बुक में एंट्री पास होती है या पासबुक में नहीं होती, पासबुक में होती है तो कैश बुक में नहीं होती। तो बेटा बहुत सारे जिनकी वजह से क्या आते हैं डिफरेंसेस आते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक शुड बी इक्वल बट ऑपोजिट होना चाहिए ऐसा, लेकिन बेटा ऐसा
नहीं होता, ये बैलेंस इक्वल नहीं होते, बैलेंस ऑपोजिट नहीं होते, बल्कि बेटा इन बैलेंस में क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। बैंक हमें क्या कहता है, हर महीने क्या है हमारे अकाउंट की एक कॉपी की तरह से बैंक स्टेटमेंट है, क्या कहते हैं बैंक, तो जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर जो अकाउंट होल्डर होता है वो ये जानने की कोशिश करता है भाई मेरे मुताबिक बैलेंस इतना शो हो रहा है और बैंक के मुताबिक इतना, तो ये वजह क्या है भाई, ये फर्क क्यों आ रहे हैं। तो उस फर्क को जानने के लिए, उन रीजंस को जानने के लिए कि भाई ये रीजंस क्यों आए हैं, और फिर उन रीजंस की को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो स्टेटमेंट तैयार करता है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे व्हेनेवर देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एंड द बैलेंस ऑफ द पासबुक, कि जब कभी भी कैश बुक के और पासबुक के बैलेंस में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंस आया है, बैंक हमें हर महीने क्या करेगा, हमारे अकाउंट की एक कॉपी पर, उस कॉपी को बैठे हम लोग कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। पासबुक की जो एक कॉपी होती है क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं बैंक बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट आएगी, मैं कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट दोनों को रखूंगा और देखूंगा कौन सी एंट्रीज है जो कैश बुक में तो है पासबुक में नहीं है, पासबुक में तो है कैश बुक में और ये क्यों नहीं है, मैं क्या करूंगा उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा बेटे। उस एक्सप्लेनेशन के लिए जो मैं स्टेटमेंट तैयार करूंगा, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बुक 7 का है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाएगी। समझा लिए बेटे बात, मेन आइडिया क्लियर हो गया आपको। अब आपने एक चीज देखी यहां पे मैंने बोला बैंक का बैलेंस यहां पे क्या था, डेबिट था, यहाँ पैसा बैलेंस क्या था, यहाँ कस्टमर का बैलेंस क्या था, क्रेडिट का, यहाँ कस्टमर का बैलेंस क्या हो गया बेटे, डेबिट हो गया ना, यहाँ डेबिट हो गया ना बेटे। अब सुनो मेरी बात, जब यहाँ बैलेंस डेबिट था तो मेरा बैंक हमारा एसेट था, और हम बैंक में ये क्या था बेटे, ठीक हो गया। जब यहां पे ये बैलेंस बेटे क्रेडिट हो गया तो आपके बैंक के बन गया हमारी, क्योंकि अब हमने बैंक के पैसे देने हैं, जो पहला डिपॉजिट आएगा बैंक उसमें सबसे पहले हमारे ये वाले पैसे जो 10 रुपए हमने उसके एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए हैं वो काटेगा, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे चूंकि हमने बैंक के पैसे इस्तेमाल किए तो बैंक हमारी क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा बेटे। यहाँ पे हम बैंक के क्या बन जाएंगे जी, इसका मतलब यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा तो बैंक का बैलेंस डेबिट होगा तो एसेट, क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी, पासबुक का बैलेंस डेबिट होगा तो क्या कहते हैं एसेट, क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी। समझा गए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको बीआरएस का। तो बीआरएस हम कब बनाते हैं, जब क्या है, कल इंशाल्लाह बाकी बात होगी, अल्लाह सबको साथ ही दे और दोस्तों के लिए साथ ही बात मिलेगी, तो देख रहा हूँ।